दिस न्यूज इज ब्रॉट टू बाय हेवन यूनिसेक्स सैलून कुल्लू। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को नसीहत दी है कि वे अमर्यादित भाषा से परहेज रखें। मंडी के शिवाबदार में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा मकसद नहीं है। उन्होंने कहा कि सतपाल सत्ती द्वारा कही गई बात पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सत्ती ने सोशल मीडिया की एक पोस्ट का भारी मन से हवाला दिया था। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को भी मर्यादा में रहकर टिप्पणियां करनी चाहिए। इस मौके पर द्रंग के दर्जनों पंचायत प्रतिनिधि भाजपा में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन चल रहा है और मुझे इस बात की खुशी है कि हर लोकसभा क्षेत्र में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ और चारों सीटों पर जो जनसमर्थन हम देख रहे हैं लोगों का, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशियों को मिल रहा है, उसमें अब की बार एक ऐतिहासिक जो चारों सीटों पर होगी, जीत का अंतर भी बड़ा होगा। और कांग्रेस के बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि मुद्दा विहीन हो गई है। बहुत छोटी छोटी बातों पर वो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, लोग उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। निर्णय देश का होना है और छोटी बातों का जिक्र करके मुझे लगता है कि जो है वो जिस प्रकार से ध्यान को बांटने की कोशिश कर रही है, उससे जो है कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। चारों सीटों पर हमारे मजबूत प्रत्याशी हैं और चारों सीटों पर जीत जो है हमारी जो है सुनिश्चित है। और मंडी में आज हम यहाँ शिवावतार में आए हैं, भारी बारिश के बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद में गाँव के लोग जो है यहाँ पर इस जनसभा में उपस्थित रहे और बहुत जोश के साथ मैं देख सकता हूँ कि बहुत यहाँ से इस क्षेत्र से भी बहुत बड़ी बढ़त हमको मिलने वाली है। अनिल शर्मा जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं सर? क्योंकि उस सारे मामले में जो चीज़ें होनी थी वो हो गई हैं, इससे ज़्यादा मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ। हमारे लिए अभी इलेक्शन का कैंपेन चल रहा है और इलेक्शन के कैंपेन में मुझे लगता है कि बाकी चीज़ों हमारे लिए कोई बड़ा महत्व नहीं। सत्ती जी के जो बयान है उस पर आप प्रतिक्रिया देना चाहें? मुझे सिर्फ उसके बारे में इतना ही कहना है कि उस संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किया और जो कार्रवाई की है उस कार्रवाई का जवाब जो है वो पार्टी की ओर से दिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सतपाल सिंह सत्ती जी ने जो बात कही है उस बात में उनने पहले ही अपनी भावना व्यक्त कर दी थी कि मैं बहुत भारी मन से कह रहा हूँ, और उनने ये भी नहीं कहा कि मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक बात ज़रूर कही कि किसी ने सोशल मीडिया में जो है इस प्रकार से बात कही, उसका उन्होंने जिक्र किया। लेकिन फिर भी किसी की भावनाओं को आहत हुए हैं तो मैं समझता हूं कि उन भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए और ऐसी परिस्थिति में जो आवश्यक कार्यवाही जो चुनाव आयोग ने करनी उचित समझी वो कार्यवाही उन्होंने की है, और आने वाले समय में इन सारी चीज़ों पर जो है वो परहेज करने की आवश्यकता हम सब लोगों को है, हमारी ही पार्टी को नहीं दूसरी पार्टी को भी है। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि आगे काम करने की आवश्यकता है। और उसके बाद जो है बाकी जहाँ जो हमारे सामाजिक संगठन हैं, धार्मिक संगठन हैं, जो है वो सब लोग अपने अपनी जो उनकी सुचिता, उनका काम करने का तौर तरीका, सारी चीज़ों के प्रति हमारा सम्मान है, आदर है, और किसी प्रकार से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए पंडोह से विशाल वर्मा की रिपोर्ट। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में कौन खूबसूरत नहीं दिखना चाहेगा? आपकी खूबसूरती और युवा दिखने की चाहत को बरकरार रखने के लिए अब हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप आपके अपने शहर सोलन और कुल्लू में। अत्याधुनिक उपकरणों व ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधनों से लवरेज हेवन यूनिसेक्स सैलून ग्रुप तेजी से उभरता वो नाम है जो बेहतरीन सर्विसेज और गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान बना रहा है। हेवन्स ग्रुप के प्रबंध निदेशक जितेंद्र ठाकुर बताते हैं कि हमारे यहाँ ब्राइडल, ग्रूम्स, मेकअप के साथ साथ हेयर कट, ट्रिमिंग, शेविंग, हेयर स्पा, फेशियल, वैक्सिंग, ब्लीच व हर तरह का क्लीनअप इत्यादि सभी प्रकार के सौंदर्य ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो जवान जवान दिखने के लिए आज ही चले आइए अपने नजदीकी हेवन यूनिसेक्स सैलून।